हाइबरनेट वीडियो सीरीज। दोस्तों हाइबरनेट वीडियो सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम हाइबरनेट cfg.xml फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम मेंशन करते हैं, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइबरनेट में कैसे हम सेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट करना होगा, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि If you want to work with the Hibernate, then you require couple of dependency. पहला Hibernate related dependency और दूसरा कोई database dependency, whatever database you are using. तो मैं MySQL use कर रहा हूँ, तो MySQL related MySQL connected Java का dependency add किया है। और जैसे ही आप ये dependency add करोगे तो ये सारे dependency आपके class path में Maven Central Repository से download होकर आपके इस folder में save हो जाएंगे, right? Now लेट्स गो हैड एंड क्रिएट अ यूटिलिटी क्लास। तो मैं जावा क्लास क्रिएट कर रहा हूँ हाइबरनेट और सेशन फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए। तो पैकेज नेम लेट्स से com.kk.util और जो यूटिलिटी क्लास है उसका नाम मैं दे देता हूँ हाइबरनेट यूटिल। क्लिक ऑन फिनिश। नाउ द स्टेप्स टू क्रिएट दिस यूटिलिटी क्लास, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करना होगा। जो ये स्टेप है ये लास्ट में करेंगे, लेकिन ये तीनों स्टेप है ये बिगनिंग में करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेशन फैक्ट्री क्या होता है हाइबरनेट में। बेसिकली सेशन फैक्ट्री ऐसा है कि आपको हाइबरनेट दैट इज ORM फ्रेमवर्क, राइट। एंड टू इंटरेक्ट विद द डेटा वेट यू रिक्वायर टू क्रिएट अ सेशन, राइट। सेशन मतलब समझ लो कि मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी होता है एक तरह से, राइट। सेशन एट सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सेशन फैक्ट्री से। सेशन फैक्ट्री का नेम ही देख लोगे सेशन फैक्ट्री, मतलब इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ सेशन, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री से यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सेशन फॉर डिफरेंट रिक्वेस्ट। तो सेशन फैक्ट्री जो होता है वो कंप्लीटली थ्रेड सेफ होता है हाइबरनेट में, राइट। दैट कैन बी शेयर अमंग द थ्रेड्स और हर एक एप्लीकेशन में एक डेटाबेस के लिए एक ही सेशन फैक्ट्री होगा। यूजुअली आपके एप्लीकेशन में यदि एक ही डेटाबेस यूज हो रहा है तो एक सेशन फैक्ट्री होगा इंटायर एप्लीकेशन के लिए। और ये सेशन फैक्ट्री कब क्रिएट होता है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसी समय क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। सेशन फैक्ट्री थ्रेड सेफ होता है, राइट, लेकिन सेशन थ्रेड सेफ नहीं होता है। सेशन क्या होता है आगे हम देखते हैं, अभी सेशन फैक्ट्री पर फोकस करते हैं, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कपल ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एज स्टैटिक। क्यों स्टैटिक, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल मैं ये जो क्लास लेवल वेरिएबल है मैं स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करने जा रहा हूँ। तो पहला जो वेरिएबल है दैट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दैट इज स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। दिस इज द वन, राइट, विच बिलोंग्स टू org.hibernate.boot.registry। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली बूट स्ट्रैप करने के लिए होता है। हाइबरनेट को बूट स्ट्रैप मतलब हाइबरनेट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, राइट। एंड हियर जस्ट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस एंड नाउ नेक्स्ट वेरिएबल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर एज सेशन फैक्ट्री इटसेल्फ, राइट, जो हमें क्रिएट करना है org.hibernate, राइट। लेट्स से दिस इज कॉल्ड सेशन फैक्ट्री। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ट्राई कैच ब्लॉक, नॉट स्टैटिक ब्लॉक, राइट। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम चाहते हैं कि सेशन फैक्ट्री क्रिएट हो, दैट्स वाई स्टैटिक ब्लॉक। एंड हियर सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ सेशन फैक्ट्री इक्वल टू नल, राइट। यदि सेशन फैक्ट्री नल हो तो गो अहेड एंड क्रिएट द सेशन फैक्ट्री, अदरवाइज डोंट क्रिएट, रिटर्न द एग्जिस्टिंग वन, राइट। तो यहाँ ये देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री गाइज दिस इज जस्ट एन इंटरफेस, यू नीड अ क्रॉसपॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास, राइट। तो क्रॉसपॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास मुझे क्रिएट करना है और दिस इज द एवरी स्टेप आई एम गोइंग टू फॉलो। सो दिस इज द बेसिकली क्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, राइट। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। Equals to new standard service registry builder, right?
this is a standard service registry builder is the one of the implementation of a standard service registry. ठीक है, इसमें देख सकते हो कि there are three constructor. I am going to use first one, right? उसके बाद मैं इस पर कॉल करता हूँ configure method. जब भी configure method आप कॉल करते हो तो इसमें अलग अलग overloaded method है, right? There I am going to use the default one. जब configure default one हम कॉल करेंगे तो basically ये जो hibernate.cfg.xml फाइल हमने क्रिएट किया है जो यहाँ रिसोर्सेज के अंदर है तो वो पिकअप हो जाएगा. मतलब डिफॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन है जो उस नेम से फाइल वो सर्च करेगा रिसोर्सेज के अंदर. यदि आप चाहते हो कि फाइल नेम कुछ और देना, hibernate.cfg.xml के अलावा कुछ और नेम देना चाहते हो तो आपको ये यूज करना होगा जहाँ आपका रिसोर्स फाइल आप नेम पास कर सकते हैं. उसके अलावा और भी है कि लोडेड कॉन्फिग्रेशन में सारा एट्रीब्यूट को सेट करके पास कर सकते हो, प्लस फाइल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, प्लस ये जो hibernate.cfg.xml है राइट कहीं और सेव्ड है नेटवर्क पे तो उसका URL दे सकते हो. तो अलग अलग मेथड्स है. कन्फिगर मेथड में आप जाके इम्प्लीमेंटेशन में देखोगे तो हियर यू कैन सी कन्फिगर के अंदर कन्फिगर मेथड आगन कॉल हो रहा है जो डिफॉल्ट कॉन्फिग रिसोर्स मतलब hibernate.cfg.xml से फाइल खोजेगा, राइट. यदि आपने ये कन्फिगर मेथड यूज किया तो यू हैव टू पास द configuration file name here, right? So let's go back and continue from here. Configure method call करने के बाद आपको call करना है build method. This basically follows the builder design pattern. So finally we get the standard service registry object. Now what else? Next we have to create an object of meta sources, right? Metadata sources. So I would say metadata sources equal to simply using the new keyword you can create an object of this guy. Again iska teen aap dekh rahe ho ki constructor hai. I am going to use second one which takes the service registry argument. To ye jo service registry standard service registry aapne create kiya hai ye aapko pass kar dena hai, right? You might be wondering, theek hai, ye jo service standard service registry iska kaam hai bootstrapping karna, matlab hibernate ko initialize karna. What about the metadata source? Metadata source ka matlab hota hai कि ये आपको जो मेटा डेटा सोर्स है, जो भी XML कॉन्फ़िगरेशन या अनोटेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, इन सबको वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना. तो ये मेटा नेम इटसेल्फ यू कैन सी द गाइस मेटा डेटा सोर्सेस, राइट, मेटा डेटा का सोर्स फाइंड आउट करता है. जो भी अनोटेशन हाइबरनेट में यूज करते हो या कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करते हो उससे सारा इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, राइट. उसके बाद आपको वंस यू गेट द मेटा data sources, then out of this you have to create the metadata. Metadata means data about the data, right? आप table name specify करते हो annotation के through, column name, column size, मतलब data about the data. तो वो सारे metadata को ये gather करेगा, right? तो इस पर आपको call करना है get metadata builder, right? And I'm going to use this method. And finally you have to call the again build method. This is also has been built एज पर बिल्डर डिजाइन पैटर्न. बिल्डर डिजाइन पैटर्न क्या है आपको समझ में नहीं आता है तो kkjavatutorials.com पे मैंने सारे डिजाइन पैटर्न्स को मैंने क्रिएट करा है विथ सोर्स कोड एंड विथ ऑल द अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी हैव अ मेटा डाटा, राइट. अब मेटा डाटा मिल गया तो इससे आपको क्या सेशन फैक्ट्री फाइल ही क्रिएट करना है, ठीक है. आपको मेथड कॉल करना है गेट सेशन फैक्ट्री, राइट, गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर. And finally, of course, you need to call the build method. And this guy is going to finally return the session factory. Okay. And what I'm going to do, guys, this entire code I will put inside the try catch. Try catch. Just put inside this. ताकि session factory create होने में कोई exception आया that I would like to log here. अभी मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस कर रहा हूँ लेकिन रियल एप्लीकेशन में आपको लॉग कर देना होगा, लॉग 4J वाली लॉग, राइट. एंड हियर ऑप्शनली यू कैन चेक इफ आप यदि कुछ एक्सेप्शन आया रिलेट से कि स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री अब क्रिएट हो गया, राइट, सर्विस रजिस्ट्री यू आर, लेकिन आगे कुछ एक्सेप्शन आ गया तो मैं यहाँ चेक करूँगा इफ स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री नॉट इक्वल टू नल, राइट, नॉट इक्वल टू नल. तो यहाँ मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर है, इसमें डिस्ट्रॉय मेथड है उसको कॉल कर दूंगा एंड आई विल पास दिस स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, राइट. स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री
जो क्रिएट हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब रिसोर्स क्लीन कर देंगे, दैट्स वाई। नाउ फाइनल स्टेप्स, फाइनल स्टेप्स, यू हैव टू क्रिएट अ यूटिलिटी क्लास स्टैटिक और फैक्ट्री मेथड क्लास, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक पब्लिक क्लास पब्लिक मेथड क्रिएट करना है स्टैटिक, एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री। मेथड का नाम कुछ मीनिंगफुल दे दो, गेट सेशन फैक्ट्री, राइट। मेथड के नाम से पता चलता है कि ये सेशन फैक्ट्री रिटर्न कर रहा है, एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न सेशन फैक्ट्री व्हिच वी आर क्रिएटिंग इन स्टैटिक ब्लॉक, राइट। सो गाइज आपको पता है कि जब भी ये क्लास, जब भी पहली बार क्लाइंट कॉल करेगा, राइट, इस मेथड को गेट सेशन फैक्ट्री फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम द एप्लीकेशन, तो कॉल इस क्लास में जब आएगा तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, राइट। और पहली बार सेशन फैक्ट्री ऑफकोर्स नल रहेगा, तो सेशन फैक्ट्री इस स्टैटिक ब्लॉक में क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये सेम स्टैटिक फैक्ट्री इज गोइंग टू रिटर्न। सेकेंड कॉल ऑनवर्ड्स ऑलरेडी सेशन फैक्ट्री क्रिएटेड है, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग सेशन फैक्ट्री है दैट इज गोइंग टू रिटर्न टू द क्लाइंट, राइट। इट इज सिंपल। नाउ ये जो सेशन फैक्ट्री रिटर्न करने का हमने यूटिलिटी मेथड प्रोवाइड किया है, इसको आप टेस्ट करना है, तो लेट्स क्रिएट अ स्मॉल क्लाइंट एप्लीकेशन, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लाइंट एप्लीकेशन, देयर वी कैन सी कि एप्लीकेशन इज एबल टू क्रिएट सेशन फैक्ट्री और नॉट। सो सी एल आई ई एन टी क्लाइंट, राइट। लेट्स गिव द नेम एज क्लाइंट टेस्ट विच विल हैव मेन मेथड, ठीक है। नाउ नाउ जैसा कि मैंने बोला था कि सेशन फैक्ट्री से हम लोग सेशन क्रिएट करते हैं, राइट, तो हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री हमने फैक्ट्री मेथड क्रिएट किया है, और एक आपको सेशन फैक्ट्री रिटर्न करेगा, राइट, और इससे हम मेथड करेंगे ओपन सेशन, तो ये मुझे सेशन रिटर्न करेगा। सेशन आपको क्यों जरूरत है हाइबरनेट में, जब भी डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, तो दिस इज काइंड ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज एज इक्विवेलेंट टू द कनेक्शन इन JDBC। JDBC में कनेक्शन चाहिए, राइट, डेटाबेस इंटरेक्ट करने के लिए, उसी तरह हाइबरनेट में सेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैं गाइस यूज करने जा रहा हूँ ट्राई विथ रिसोर्सेस, ताकि सेशन को हमको एक्सप्लिसिटली फाइनली ब्लॉक में क्लोज ना करना पड़े, राइट। सो लेट मी डू द ट्राई कैच एंड ट्राई विथ रिसोर्सेस, दैट्स द फीचर ऑफ जावा 7 दैट आई एम गोइंग टू यूज। सेशन में आप जाके देखोगे तो सेशन फाइनली देखोगे तो ऑटो क्लोजेबल को इम्प्लीमेंट करता है, दैट मीन्स यू कैन यूज सेशन एज ए ट्राई विथ रिसोर्सेस, राइट, ऑटोमेटिकली एक क्लोज हो जाएगा यूज होने के बाद, ट्राई के में यूज होने के बाद, राइट। सो नाउ वी हैव अ सेशन, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन सिक्वल क्वेरी, राइट। हाइबरनेट क्या है, ORM फ्रेमवर्क है, राइट। ऑफकोर्स यू डोंट नीड टू ऑलवेज डील विद द सिक्वल क्वेरी, लेकिन यहाँ मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं सिक्वल क्वेरी एक्सिक्यूट कर देता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ORM जो फीचर है हाइबरनेट का उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, VRSIOM, सॉरी। तो देख सकते हो कि यहाँ आप चाहो तो एक क्वेरी है सिक्वल क्वेरी, इसको डेटाबेस में जाकर एक्सिक्यूट कर सकते हो, राइट, और यहाँ से डेटाबेस का वर्जन का पता चलता है, वर्जन क्या हम ये मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो एक सिक्वल क्वेरी। नाउ ऑफकोर्स इन हाइबरनेट ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ सिक्वल, यू कैन एक्सिक्यूट द सिक्वल क्वेरी एज वेल। तो सेशन से मैं करता हूँ क्रिएट नेटिव क्वेरी, राइट, नेटिव क्वेरी मेथड है, उसमें ये सिक्वल क्वेरी आपको पास कर देना है, राइट, नेटिव क्वेरी मतलब सिक्वल क्वेरी, एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू गाइज अ क्वेरी, राइट, नॉट नेम्ड क्वेरी बट नेटिव क्वेरी, सॉरी गलत API हमने यूज कर लिया, गेट नेटिव क्वेरी आपको यूज करना है, और यहाँ सिक्वल क्वेरी पास कर दिया, राइट। ये रिटर्न क्या करेगा, लेट मी शो यू, ये रिटर्न करेगा आपको नेटिव क्वेरी रिटर्न करेगा, राइट, और नेटिव क्वेरी से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट गेट सिंगल रिजल्ट, राइट, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट, ये ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चूँकि वर्जन मुझे डेटाबेस का चाहिए तो इसको टाइप कास्ट कर लीजिए, राइट, तो आई से स्ट्रिंग लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड दैट ऑब्जेक्ट आई वुड लाइक टू टाइप कास्ट इन टू स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ हम सिंपल प्रिंट कर देंगे MySQL डेटा इज
वर्सन इज और जो भी रिजल्ट है ये प्रिंट कर देने का, राइट, एंड दैट्स ऑल। कंट्रोल शिफ्ट ओ फॉर ऑर्गेनाइज इंपोर्ट और रन करते हैं, दिस शुड गिव द एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड हियर वी गो। हियर यू कैन सी सेलेक्ट क्वेरी जो हमने फायर किया वो फॉर्मेटेड फैशन में आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है फॉर्मेटेड फैशन में, क्योंकि हाइबरनेट cfg.xml में हमने दो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किया था, राइट, सो SQL। तो ये क्या करेगा, जो भी इनकेस आपका SQL क्वेरी हो या हाइबरनेट जनरेटेड क्वेरी हो वो लॉग कर देगा, लॉग में दिखेगा। और दूसरा है वो फॉर्मेटेड में फॉर्मेट होके दिखना चाहिए, तो फॉर्मेटेड होके दिखता है। एंड दिस इज द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट प्रोग्राम व्हाट वी हैव रिटन, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हाइबरनेट 5 में, राइट, सेशन फैक्ट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यू हैव टू राइट कोड इन अ वेरी वेरी क्लीन फैशन, राइट। यदि इसे इंडस्ट्री लेवल का मैं कोड करना चाहूँ, IT सेक्टर में जैसा कोडिंग करना चाहता हूँ, तो एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि यहाँ मैंने e.print स्टैक ट्रेस कराया, जहाँ की लॉग फोर जे या लॉग बैक या जो भी लॉगिंग फ्रेमवर्क आप यूज करते हैं, तो ये इसको एरर को लॉग करना, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी गुड। और यदि इंडस्ट्री लेवल का कोड करना है तो यहाँ जावा डॉक दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। जहाँ तक सोर्स कोड का सवाल है, ये मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है के javatutorials.com ब्लॉग पे, और जो सोर्स कोड का लिंक है, ब्लॉग का लिंक है, आई विल प्रोवाइड यू इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।